देश में कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और फेफड़ों की बीमारियों जैसे असंक्रामक रोगों से होने वाली मौतों के मामले 70% तक बढ़ गए हैं। यह आंकड़ा 3 साल पहले 42% था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक एनसीडी का भार भारत में तेजी से बढ़ रहा है। देश में इन रोगों के चलते प्रति 4 में से 1 व्यक्ति को 70 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मृत्यु का खतरा बना रहता है। एनसीडी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन या बीमारी है जो लोगों के बीच किसी संक्रमण से नहीं फैलती। प्रमुख एनसीडी रोग व्यवहार संबंधी जोखिम वाले 4 कारणों से होते हैं। अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी और तंबाकू व शराब का सेवन। भारत में एनसीडी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों को उनके पैटर्न और लोगों में समझदारी की कमी के चलते रुकावट आ रही है। करनाल में भी अब इन रोगों से बचाव के लिए शीघ्र ही कई प्रमुख दवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। इसके लिए 1,30,000 का बजट आ चुका है, जिससे हृदय रोग, सांस संबंधी रोग, मधुमेह तथा ब्लड प्रेशर संबंधी दवाएं खरीदी जाएंगी। यह जानकारी सामान्य अस्पताल के फार्मासिस्ट राजेश सिंगला ने दी। उन्होंने जानकारी दी कि सामान्य अस्पताल में कुल 422 दवाइयां मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। कैंसर जैसे रोगों के लिए व्यवस्था ना होने के कारण उनकी दवाइयां फिलहाल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि काला पीलिया के इलाज के लिए जो नई दवा ईजाद हुई है वह भी वहां उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि एनसीडी स्वास्थ्य एवं विकास संबंधी आपातकाल की तरह है। अंधाधुंध और अनियोजित शहरीकरण, अस्वास्थ्यकर जीवन शैली और लोगों की उम्र बढ़ते जाने जैसे कारणों से ऐसे रोग निरंतर बढ़ रहे हैं। अस्वास्थ्यकर भोजन करने के अलावा लोग शारीरिक क्रियाकलापों को भी नजरअंदाज करते हैं। इससे उच्च रक्तचाप हो सकता है और फिर रक्त शर्करा व रक्त लिपिड बढ़ने से मोटापा शुरू हो जाता है, जो आगे चलकर हृदय रोग और समय से पहले मृत्यु की वजह बन सकते हैं। जोखिम वाले कारकों को नियंत्रित करके एनसीडी की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। जी, इस समय सामान्य अस्पताल में कितने मेडिसिन अवेलेबल हैं? सर, हमारे पास EDL के हिसाब से जो हमारे पास रूटीन के आइटम होने चाहिए, हमारे पास 422 के आसपास आइटम उपलब्ध हैं, और जबकि हमारे सेंट्रल वेयर हाउस में 182 आइटम उपलब्ध हैं और हमारे पास 422 आइटम उपलब्ध हैं। तो सर, मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी? मरीजों को हमारी ये कोशिश रहती है कि मरीजों को रूटीन की आइटमें जो सरकार के द्वारा जनहित में जो दवाइयाँ दी जाती हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और उसके लिए कुछ मेडिसिन्स के लिए भी हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए हमारे पास बजट आया अभी, और उसके अंदर भी हमारे पास 8-10 तरह की, जैसे हमारे पास डिक्लोजेल और इस तरह की कोई रेस्क्यूल्स, इस तरह की आइटमें वैसे तो हैं, हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन उनके लिए और खरीदी जाएंगी उसके लिए, ताकि और हमारे जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हॉस्पिटल में आते हैं किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना। अच्छा सिंगला जी, इसके अलावा जैसे हीमोफीलिया, काला पीलिया, इस तरह की, इसके इलाज के लिए भी क्या मेडिसिन उपलब्ध है? हाँ जी, हमारे पास हीमोफीलिया के लिए जो सरकार के द्वारा सेंट्रल परचेज करके हमारे पास भेजे जाते हैं, फैक्टर 8 फैक्टर 9 हमारे पास सुफिशियंट मात्रा में उपलब्ध हैं। और काले पीलिए के लिए भी सरकार के द्वारा डेक्ला टेबलेट दी जाती है, सोफोसवियर दी जाती है, और सोफो एक नई मेडिसिन का इजाद किया है सरकार ने, वो खरीद के भेजी है सेंट्रल वेयर हाउस के थ्रू, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। और एक मेडिसिन बंद कर दी गई है, उसके एवज में ये दवाई दी गई है। तो सर, इसका फायदा क्या होगा इस नई दवाई का? नई दवाई का ये जो हमारे पहले लेडीज पर की मेडिसिन आती थी, उसमें टाइटर जो इंजेक्शन का होता था, वो टेस्टिंग का जो टाइटर होता था उसके हिसाब से इनफेक्टिव सी थी कुछ ये, तो अब नया साल्ट आया ये जो बहुत ही ज़्यादा असरदार है। सर, इतना भी पता लगा कि यहाँ पे कैंसर का ना तो डॉक्टर है ना कोई दवाई उपलब्ध है? सर, हमारे पास कैंसर की कोई मेडिसिन नहीं है, और अब की बार हमने वैसे तो जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे से कैंसर की डिमांड मांगी गई है, हमने मेडिसिन की डिमांड भेज दी है, और इस सरकार से अनुरोध भी करेंगे कि वो इस टाइप का कोई ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे पास भेजें, ताकि कैंसर के मरीजों का प्राथमिक, कम से कम प्राथमिक उपचार तो यहाँ पे हो सके। सिंगला जी, जिन दवाइयों की एक्सपायरी नियर होती है उनका क्या किया जाता है? हम एक्सपायरी, वैसे तो हमारे पास कोई एक्सपायर मेडिसिन नहीं होती, हमारे पास कंप्यूटर के पोर्टल में सारा सिस्टम उपलब्ध है। हम डेली की डेली या 10 दिन के बाद चेक करते रहते हैं 3 महीने की एक्सपायरी, जो 3 महीने की एक्सपायरी हमारे कंप्यूटर पोर्टल में सारी शो करती हैं, वो 30 दिन की, 60 दिन की, 90 दिन की, 120 दिन की, जो भी हम चेक करना चाहें, तो हम 3 महीने की एक्सपायरी, 90 दिन की से कम हमारे पास कोई एक्सपायरी नहीं होती। कोशिश हमारी ये रहती है कि मतलब कोई भी मेडिसिन एक्सपायर ना हो। थैंक यू सिंगला जी। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन, JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।